राजा जनक के पास में जो श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था, सीता जी से विवाह किया था, उस धनुष को तोड़ करके, वो धनुष कहां से आया था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा कैसेट स्टूडियो में। दोस्तों आज का वीडियो हमारा बहुत ही कॉमन रहेगा और आज का वीडियो शास्त्री लोगों के लिए रहेगा। आइए देखते हैं, भैरचंद मजा आएगा। उन शास्त्री लोगों के लिए जो अपने आगे नाम के आगे या नाम के पीछे शास्त्री लगाए हुए होते हैं, ये शास्त्री, वो शास्त्री, फलाने शास्त्री, ढिमके शास्त्री, जो भी शास्त्री हैं उन सभी शास्त्रियों के लिए ये मेरा वीडियो रहेगा। और वीडियो ज़्यादा कुछ नहीं है, वीडियो नॉर्मल सा वीडियो है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और शास्त्री लोग सिर्फ एक बात जानते हैं, कुछ आता ना जाता, हमारा चुनाव चिन्ह है छाता, हम बनेंगे शास्त्री केवल। इन्हें शास्त्रों का तो कोई ज्ञान नहीं है, नहीं इन्होंने शास्त्र खोल कर देखे और नहीं इन्होंने शास्त्र कभी पढ़े, बस दो चार डायलॉग कैसेटों से सुने, बस हो गए शास्त्री। और दोस्तों भागवत के नाम पर ये केवल जिंदा नौटंकी करते हैं, भागवत के नाम ऐसे प्रवचन देते हैं, ऐसे प्रवचन देते हैं कि लड़की भाग रही हैं लड़कों के साथ, लड़के भाग रहे हैं लड़कियों के साथ, और ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये करो वो करो, इनके पास और कुछ नहीं है। चाहे वो चैतन्य हों, चाहे शास्त्री हों, चाहे कथावाचक हों, चाहे व्यास हों, इनके पास कुछ नहीं है। एक जागरूकता और मैं करना चाहता हूँ, अगर आप कथा करा रहे हो तो किसी ऐसे शास्त्री से कथा कराएं जिसे कुछ ज्ञान हो, जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़े हों। कभी भी आप भागवत कराओ उससे कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रश्न पूछो जिसका वो उत्तर दे सके आपको, तो आप उससे कथा कराएं। जिसे आपका उत्तर ज्ञात नहीं है, अरे जब आप इतना पैसा फूंक रहे हो, एक बात मेरी समझना, आप इतना पैसा उसे दे रहे हो, कभी 40,000, 50,000, 25,000, 30,000, जो भी 1,00,000, 2,00,000, 80,000, 90,000, इससे किसी भी शास्त्री की कॉस्ट कम नहीं है। सब ज़्यादा ही मांगते हैं, कम नहीं मांगता कोई। उससे कोई शास्त्र के एक ऐसा उसे प्रश्न पूछें जिसे आप जानते हो किसी शास्त्र में से, और वो आपका उत्तर दे सके, तो आपका कथा कराना उचित है। नहीं तो आप जिंदा नौटंकी कराने, जिंदा आपको नौटंकी करानी है तो आप जिंदा नौटंकी कराओ, पैसे में आग लगा दो। तो आज का मेरा प्रश्न उन शास्त्री, सभी शास्त्रियों के लिए जो अपने आगे पीछे शास्त्री लगाए फिरते हैं, और पहले एक बात और सुने, केवल प्रश्न मेरा रहेगा, जवाब आपका रहेगा, नहीं कि आप मेरा प्रश्न सुन के उल्टा ही मुझ पर प्रश्न करोगे। मैं कोई शास्त्री नहीं हूँ, मैं केवल शास्त्रों के हिसाब से आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। मैं कोई शास्त्री नहीं हूँ जो आपको प्रश्न का उत्तर दे सकूँ, आप केवल उत्तर दीजिए और मैं केवल प्रसन्न करूंगा। यदि आप शास्त्री हो तो उत्तर दीजिए, अगर शास्त्री नहीं हो तो कोई बात नहीं। आप शास्त्री नहीं हो तो ये वीडियो उन शास्त्रियों के लिए दिखाइए, उन शास्त्रियों के लिए शेयर कीजिए जो अपने आगे पीछे शास्त्री लगाए हुए हैं। दोस्तों आज का हमारा जो प्रश्न रहेगा वो कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, केवल छोटा सा प्रश्न है। राजा जनक के पास में जो श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था, सीता जी से विवाह किया था, उस धनुष को तोड़ करके, वो धनुष कहाँ से आया था जनक के दरबार में? आपको केवल यही बताना है, और ये मत बता देना कि उसे तो सहस्त्राबाहु अर्जुन और वो दशानन रावण भोले बाबा से लेकर के आए थे, ये मुझे पता है। लेकिन ये इस जानकारी के अलावा मैं आपको एक जानकारी और बता दूँ, मानता हूँ मैं दशानन रावण और सहस्त्राबाहु अर्जुन भोले बाबा से मांग करके लाए उस धनुष को, लाए होंगे, चलो मानता हूँ धनुष लाए, रास्ते में दशानन रावण लेके जा रहे थे, दशानन रावण के हाथ में वो धनुष था, तो दशानन रावण को लघुशंका लगी, और इतनी जोर की लघुशंका लगी कि उससे रहा नहीं जा रहा, तो उस वो धनुष उसने अर्जुन को दे दिया। दशानन रावण ने सहस्त्राबाहु अर्जुन को धनुष दिया, इधर सहस्त्राबाहु अर्जुन को भी लघुशंका लगने लगी, तो इतनी उनको लघुशंका लगी कि लघुशंका की उन्होंने नदियां बहा दी। मेरे पड़ोस में एक नदी चल रही है कालिंदरी, उसी उन्हीं की लघुशंका की चल रही है। बस थोड़ा दिमाग से बात किया करो, उन्होंने वहां धनुष रख दिया, फिर वो लघुशंका करके वापस आए तो उनसे वो धनुष उठा नहीं। आप एक बार बताओ, जब इतना बड़ा महावीर धनुष उठा के वहां से ला सकता है भोले बाबा? हाँ चलो मानता हूँ भोले बाबा ने ये कह दिया कि आपसे, आपने ये धनुष कहीं रख दिया तो उठेगा नहीं, तो उन्होंने रख दिया तो उठा नहीं, फिर तो किसी से भी नहीं उठना चाहिए।
मटन पॉइंट ये है कि राजा जनक के दरबार में कहां से पहुंचा वो? जनक के दरबार में बस सहसरावा अर्जुन ने और दशानन रावण ने लव शंका तो की नहीं होगी, तो धनुष जनक के दरबार में पहुंच गया वो। जनक के दरबार में कैसे पहुंचा वो धनुष? जनक के पास कैसे पहुंचा? या जनक ने पूरी सभा वहीं लगा दी कि जहाँ वो दशानन रावण धनुष रख के गया था? थोड़ा दिमाग से और कॉमन सेंस से इसका उत्तर देना, क्योंकि अगला वीडियो आपके उत्तर पर ही हो सकता है। इसी बात का उत्तर दें दोस्तों। वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। चैनल पर आपको आगे नए नए वीडियो और देखने को मिलेंगे, और रिएक्शन वीडियो और लेके आने वाला हूँ इस चैनल पर। तो रिएक्शन वीडियो का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को उन शास्त्रियों के लिए शेयर करें जो अपने आगे पीछे शास्त्र लिखे पढ़ते हैं। शास्त्रों का कोई भी ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान है तो इस वीडियो का उत्तर दें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो अगला नाम आपका ही अनाउंस होगा।